हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉप पर। और आज हम बात करते हैं कि गूगल में रिव्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं, रिव्यूज के लिए आपको क्या क्या टर्म्स, क्या क्या क्वालिटी गाइडलाइन का फॉलो करना है, और अपने जेन्युइन रिव्यूज बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, या फिर आपकी लिस्टिंग क्या रिव्यूज के आधार पर ही गूगल सर्च में दिखाई देती है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि सभी लोग ये मानते हैं कि अगर आपके रिव्यूज ज़्यादा हैं तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आ जाएगी, आपके रिव्यूज कम है तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर नहीं आएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिव्यूज मैटर करता है, बट रिव्यूज की क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, रिव्यूज की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मैटर करती है। रिव्यूज कितना अच्छा लिखा गया है, रिव्यूज में क्या क्या टर्म्स यूज हुए हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ कि रिव्यूज लिंक कैसे बनाएं, कि जो भी आपके कस्टमर है या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप एक रिव्यू लिंक भेजकर उनसे रिव्यूज ले सकते हैं। जैसे ही वह उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनके सामने एक पॉपअप बनकर आ जाता है, वह वहां पर स्टार मार्क करके कि जो भी आप स्टार देना चाहें वो स्टार देकर आपके लिए रिव्यूज लिखते हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। क्या निगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज से भी मैटर करता है, हालांकि मिक्स होने चाहिए, क्योंकि किसी के भी ऐसा नहीं है कि सब के सब रिव्यूज 5 स्टार रेटिंग हो। और अगर मान लिया किसी के 100 रिव्यूज हैं और सब के सब 5 स्टार रेटिंग रिव्यूज है, तो उसके लिए गूगल को एक डाउट लगता है कि कहीं ये फेक रिव्यूज तो नहीं है। अगर आपके रिव्यूज फेक नहीं है तो उनको जेन्युइन बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे वह जेन्युइन दिखे। अपनी ईमेल आईडी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर का जो आइकन बना है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आस्क फॉर रिव्यूज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ये कॉपी भी कर सकते हैं, आप ईमेल पर शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, आप ये सब जगह शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे दिया गया है लर्न मोर अबाउट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर आस्किंग फॉर रिव्यूज एंड व्हाट टू डू अबाउट निगेटिव रिव्यूज। निगेटिव रिव्यूज के लिए आपको क्या करना है, हो सकता है निगेटिव रिव्यूज जेन्युइन हो और हो सकता है आपके कंपटीटर ने जानबूझकर निगेटिव रिव्यूज डाला है, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, वो आप फॉलो करके निगेटिव रिव्यूज हटा भी सकते हैं, उसको मार्क एज फ्लैग करके। गेट गूगल रिव्यूज और यहाँ पर कुछ यूज बेस्ट प्रैक्टिस टू गेट रिव्यूज। सबसे पहले आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वह वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपको रिव्यूज मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के ऊपर काफ़ी वीडियोज हम पहले बना चुके हैं, आप चैनल पर जाकर वो सभी वीडियो देखें, क्योंकि बिना वेरीफाई किए आपको कॉल नहीं आएंगे, आपका बिजनेस सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाई देगा, आप रिव्यूज नहीं ले सकते, आप कुछ भी अपने प्रोफाइल पर नहीं कर सकते। सेकंड है कि रिमाइंड कस्टमर टू लीव रिव्यूज। आप अपने कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या मेल कर सकते हैं और उनको रिमाइंड करा सकते हैं कि आप हमारी प्रोफाइल पर रिव्यूज डालें। रिप्लाई टू रिव्यू टू बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। रिप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है रीड रिव्यूज, आपको जितने भी रिव्यूज आते हैं उनका रिप्लाई करना है, जैसे कि मैं पहले कर चुका हूँ। हालांकि थैंक्स फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक ऐसा करके लिख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप उस पर्सन को एड्रेस भी कर सकते हैं कि थैंक्स फॉर मनदीप, थैंक्स फॉर पॉजिटिव फीडबैक मनदीप जी, या जैसा भी आपको अच्छा लगे वह आप अपने अकॉर्डिंग करें, रिप्लाई करें। उसके बाद है वैल्यू ऑल रिव्यूज। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर फाइंड ए मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव रिव्यूज मोर ट्रस्टवर्दी। जो निगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी 5 स्टार रेटिंग के साथ रिव्यूज होते हैं, कुछ कम रेटिंग वाले रिव्यूज होते हैं, कुछ ज़्यादा रेटिंग वाले रिव्यूज होते हैं। हर कस्टमर का अलग अलग व्यूज हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। और अगर कोई निगेटिव रिव्यू डाल देता है उसके लिए रिक्वेस्ट इट्स रिमूवल। मैं ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगा, आप इस लिंक को फॉलो करके रिव्यूज से रिलेटेड सभी गाइडलाइन पढ़े, रिव्यूज
कैसे बढ़ाए, निगेटिव पॉजिटिव रिव्यूज होने चाहिए, अगर निगेटिव रिव्यूज है तो उसको कैसे रिमूव करें। यहाँ पर दिया हुआ है कि आप सबसे पहले तो आपको अकाउंट में लॉगिन करना है, फ्लैग करना है, और सिंगल बिजनेस पर है या मल्टीपल बिजनेस पर है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप ये सभी ऑप्शन फॉलो करके अपने सब के सब निगेटिव रिव्यूज हटा सकते हैं। इस तरीके से आप ये वीडियो फॉलो करके अपने रिव्यूज को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यू मैनेजमेंट सबसे बड़ा टास्क है। अगर आप अच्छा रिव्यू मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। यह एक SEO के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब तक गूगल फर्स्ट पेज पर नहीं आएगा तब तक कि उसका SEO नहीं हुआ हो। इसलिए SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिव्यूज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रिव्यूज को कैसे मैनेज करें, अच्छे रिव्यूज कैसे डालें, या फिर निगेटिव रिव्यूज को कैसे रिप्लाई करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो एक लिंक बनाकर अपने फ्रेंड्स, कलीग या फिर कस्टमर को ज़रूर सेंड करें और उनसे रिव्यूज लिखवाएं। अगर आप पेड रिव्यूज लेते हैं तो कुछ दिनों बाद हो सकता है गूगल वे सब रिव्यूज हटा दे, इसलिए पेड रिव्यूज से बचे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।